ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो हमारे हृदय, फेफड़े, आँख, नाक, कान, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों में जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, धमनियां हैं, सिराएं हैं, उन सब को खोलने वाला जो प्राणायाम है, उन सब में जो अवरोध आता है, कहीं रुकावट आती है, कहीं हर्डल्स आ जाते हैं, उस बाधाओं को हटाने के लिए जो ऋषियों ने दिया है। तो सज्जनों, हम किसी की आंख में झांक के देखते हैं तो लाल लाल रक्त वाहिनियां, जो लाल लाल डोरे से दिखाई देते हैं, वो असंख्य नसनाड़ियां आंख के अंदर ही होती हैं। कान से हम सुन रहे हैं, असंख्य नसनाड़ियां हैं। नासिका से हमारी घ्राण जो सूंघने का काम कर रही है, श्वास प्रश्वास का लेने और छोड़ने का जो कार्य कर रही है, असंख्य नसनाड़ियां इसके अंदर काम कर रही हैं। ऐसे ही हर अंग हृदय के अंदर कितनी होंगी, फेफड़ों के अंदर कितनी है, हमारे लीवर के अंदर कितनी, और बहुत सारे अंगों के अंदर इतनी असंख्य नसनाड़ियां हैं, उनको कौन गिन सकता है। फिर भी जनश्रुतियों के अनुसार तरह तरह की गणना हम सुनते हैं। कोई कहते हैं 72 करोड़, 72 लाख, 72,000, 210 नाड़ियां हैं, किसने गिनी होंगी, कौन गिन सकता है। इन बहस में हम ना पड़ें, फिर भी असंख्य नसनाड़ियां तो हैं। उन असंख्य नसनाड़ियों का जो शोधन करता है, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया है, उसमें कुछ रुकावट आ गया है, खून और ऑक्सीजन, रक्त और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो कहीं धीमा हुआ है, उसको हम कैसे चालू कर सकें, वो ऋषियों की जो विद्या है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वो हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कैसे होता है। आप इसमें मन मन में गिनती गिन सकते हैं, बोल के बोल लेंगे तो हम फिर सांस हमारा डिस्टर्ब होगा, पर क्योंकि आपको मैंने सुनाना है तो मैं करने की क्रिया भी करके बताऊंगा और साथ साथ बोल के गिनती भी बोलूंगा। तो 4, 8 और 16 का रेशियो होगा गिनती का। 4 गिनते हुए हम बाई नासिका के से पहले 3 बार सांस भरेंगे, 8 गिनते हुए दोनों नासिका को ऐसे बंद रखेंगे, 16 गिनते हुए विपरीत नासिका से हम श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करेंगे, रिलीज करेंगे। तो किसी का 10 में निकले, 12 में निकले, 16 में निकले, कोई इसमें हमें चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी और आपकी जो अभ्यास होगा वो बढ़ जाएगा, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर आप 16 की बजाय 32 में भी निकालेंगे। यानी कि अब हम 4, 8, 16 का रेशियो कर रहे हैं, तब आप 8, 16, 32 का रेशियो भी कर सकते हैं और आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। यदि आप युवा हैं, युवतियां, भाई बहन हैं, तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके हाथ में आपकी चाबी आ जाएगी और जैसे नव सिखवा गाड़ी चलाते हैं तो डर डर के चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो डर डर के चलाते हैं, जब हम अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तब हम कितनी चलाएं, कभी खड़ी कर दें, कभी कुछ करें, हम फिर उसमें चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो यहाँ भी आप सेल्फ ड्राइव बन जाएंगे उस समय। तो आप देखिए ये भरा श्वास, गहरा लंबा, 4 गिनते हुए बाएं से 1, 2, 3 पूरा भरें, सीना फुलाएं अच्छे से, 4 दोनों बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब धीरे धीरे रिलीज करेंगे और हमारे लंग्स सिकुड़ते जाएंगे 16 गिनने तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर बाएं से ही भरेंगे, 1, 2, 3 पूरा भर लीजिए, सीना फुलाइए, 4 दोनों बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दाहिना खोलेंगे धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर बाएं से ही भरेंगे, 1, 2, 3, 4 पूरा भर लिया और दोनों बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खोला राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओम। ये 16 में निकला तो आपका 16 में निकले, 10 में निकले, 12 में कोई चिंता नहीं। हाँ, जिन्हें हाई बीपी रहता है, ज्यादा रहता है, वो इसमें दोबारा भी बाएं से ही करना। तो अब हम करेंगे दाहिने से, एक आधा चक्र हमारा हो गया है, अब इसको दाहिने से भरेंगे, 1, 2, 3 पूरा भरना और
चार, दोनों बंद, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दाई बाई से रिलीज करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, फिर दाई से भरेंगे, एक दो तीन पूरा भर लेंगे, चार, दोनों बंद, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बाएं से निष्कासित, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, फिर दाहिने से भरेंगे, एक दो तीन पूरा भर के सीना फुलाएंगे, चार, दोनों बंद, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बाएं से बाहर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ओम विश्राम। सजनों, ये था नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इसका हमने ये एक चक्र पूरा किया, तीन बार इधर से तीन बार उधर से, आप इसकी गिनती भी बढ़ा सकते हैं, चक्र आप इसको छः बार उधर से छः बार उधर से पांच, जितना आपका मन करे बराबर रेशियो में कर लें, आपका अनुभव आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा तो आपके हाथ में आपकी चाबी रहेगी और हमारी नाड़ियों की शुद्धि करेगा ये प्राणायाम, आप इसका बहुत लाभ ले सकते हैं, हृदय की जो हमारी धड़कन होती है हार्ट बीट गड़बड़ जो है वो उसको बैलेंस कर सकते हैं, पल्स रेट को आप बैलेंस कर सकते हैं, इसके द्वारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं अपने फेफड़ों के अंदर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत उत्तम प्राणायाम है और हमारे सारे ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।